तो आ चुके गाइस एक और नई जबरदस्त पबजी मोबाइल की वीडियो के साथ वापिस। और आज हम खेलने वाले हैं भाई DBS ओनली चैलेंज, उसके साथ हम AWM यूज कर सकते हैं, पिस्टल यूज कर सकते हैं एंड मैनी मोरगन यूज कर सकते हैं, जो कि मैं नहीं करने वाला। मैं सिर्फ पिस्टल और AWM ही यूज करूंगा। और गेम प्ले इतना मजेदार है ना, तुम सबको देख के सच में गूजबम्स आ जाएंगे, बिकॉज भाई क्या ही AWM से पेलम पाल दिए ना, और DBS से तो क्या ही दिया है। तो मैं आया था पोचिंग की और मेरे को उतरते किस्मत काफी अच्छी थी, शॉटगन मिल जाती है। सो जब तक DBS नहीं मिलती हम शॉटगन यूज कर सकते हैं, और कोई गन यूज नहीं कर सकते। और वैसे भी अपने को DBS मिल ही जाएगी क्योंकि किस्मत काफी ज्यादा ही अच्छी है। तो मेरे साथ काफी बंदे भी उतरे थे, तो यहाँ पे पहले तो मैं अच्छे से अपनी गन वन उठाता हूँ पूरा, मतलब लूट करते हैं भाई, लूट भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो अपने को चाहिए थी वो वाली गन भी मिल जाती है, लाइक DBS। तो मैं इसको उठाता हूँ और अब बंदों की पेटियां बनाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को एक बंदे के फुटस्टेप आते हैं, मैंने सोचा वो इसी घर में होगा, बट वो भाई काफी ज्यादा ही तेज हो रहा था, उसके पास भी गन वन नहीं थी, तो वो चल के आगे सामने वाले घर के अंदर चला जाता है। तभी मैं पीछे से भी उस पर धप्पा करने के लिए चला जाता हूँ। हेलो, तभी ये इसकी टीम वाले बंदे भाई काफी नशे में ही मेरे को मारने के लिए इतने उत्तेजित हो गए थे ना, आ रहे थे। और तभी एक बंदा सामने की तरफ से भी आता है और उसको कोई बेचारा दूर से ही पेल देता है, तो उसको तो समझ में नहीं आया उसके साथ हुआ क्या। तभी मैं उसी बंदे को मारने चले जाता हूँ जिसने उस बंदे को मारा, तो मैं आता हूँ यहाँ पे और इन वाले भाई साहब के साथ मैं कर देता हूँ एक बहुत अच्छे वाला धप्पा, बिकॉज इनको लगा कि वो वाला बंदा वही होगा, ये पूरा मतलब फुर्ती से आ रहा था तभी, बट मैं पहले ही यहाँ पे आके बैठ चुका था और इसकी बना देता हूँ पेटी। इसके बाद जो ये वाला घर होता है भाई, जिसको हम 56 खिड़की बोलते हैं, इसके अंदर से मेरे को आता है एक बंदे का फुटस्टेप। मैंने चेक किया भाई कहाँ पे कैंप करा, और काफी हार्ड कैंपर था, जो बोलते हैं ना तखड़े वाला कैंपर। पहले तो इस कमरे में चेक किया, कुछ नहीं दिखता, देन इसमें मेरे को और इसके साथ मैं थोड़ा थोड़ा फन करने की ट्राई मारता हूँ इसको, मतलब मैं डायरेक्ट फिनिश नहीं मारता। और जब अपने हाथ में DBS होगा भाई, डरने की तो कोई जरूरत वाली बात भी नहीं है, बिकॉज इनकी पेटियां ऐसी बनती है ना DBS से, एक बार लगती है सामने वाले को समझ भी नहीं आता उसके साथ तो हो क्या गया। तो भाई बहुत ही अच्छा जा रहा था अपना सब कुछ, DBS से सारा काम चल रहा था। तभी मैं जाता हूँ भाई इस एक ड्रॉप के ऊपर, और यहाँ से मेरे को जो अपनी सेकंड फेवरेट गन AWM भी मिल जाती है। M4 इसके बदले में छोड़ देते हैं, वैसे भी हमने M4 का अभी तक कोई यूज किया नहीं था। और तभी जैसे ही मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकलता हूँ, पीछे से एक बग्गी और एक गाड़ी दोनों को दोनों मेरे ऊपर पुश मार देते हैं, और वो बंदे भी काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ थे, तो उन्होंने दिमाग लगाया और उस घर के ऊपर रुक जाते हैं। तो मैं अपनी गड्डी पूरी फिराता हूँ, इन बंदों ने मेरे को मारने की पूरी ट्राई की, और मैं भाई इनसे बच के तो निकल आ गया, बट इनका एक बंदा देखना क्या ही शक्तिमान बनेगा ना, इतना लेवल का शक्तिमान बनेगा जिसकी कोई हद नहीं है। मैं यहाँ पे अपने घर में ऊपर गया ही होता हूँ, उन्होंने देखो पहले तो एक बग्गी कहाँ पे टंगा रखी है, वो उसी शक्तिमान की बग्गी है, तभी उस शक्तिमान को दूसरी बग्गी मिल जाती है। और यहाँ पे देखना जस्ट अभी ये बोट भाई साहब को वो बंदे नॉक करते हैं, और ये देखो ओ भाई शक्तिमान आया। और इस बंदे ने भाई जो शक्तिमान की तरह छलांग लगाई ना, काफी नेक्स्ट लेवल छलांग थी भाई, शक्तिमान बना बैठा पूरा। तो मैं यहाँ पे आके TPP लेने लग जाता हूँ, और तभी ये बंदा नीचे जाता है, बट इसमें भी बेचारे पे बहुत तकड़े वाला धप्पा लग गया, मतलब इसने सोचा भी नहीं होगा कि भाई DBS से भी इसकी पेटियां बन सकती हैं। तब इनका जो दूसरा बंदा था ना, वो भाई पूरा तकड़ा हार्ड कैंपर था, वो उन्हीं घरों के अंदर जाके कैंप वैम्प करने लगा, उसने बेचारे ने बचाने भी नहीं आया ना, कोई पुश वुश किया कुछ भी नहीं किया। तो मैंने सोचा चलो यार वो तो आएगा नहीं आएगा, हम ही पुश मार देते हैं, और वो वाला बंदा मेरे ऊपर फिर कर देता है नेड की बारिश, बट उसके नेट थोड़े से कमजोर थे, लाइक पता नहीं हवा में नेट वेट मार रहा था। तो मैंने अपनी हेल्थ फिल की, और वो वाला बंदा इतना काफी तेज कि वो जाके इस घर की छत पे जाके चढ़ जाता है, जो सामने वाला घर होता है, मेरे को स्टार्टिंग में दिखता नहीं, बट जैसे ही दिखता है
मैंने सोचा पहले तो AWM से इसकी पेटी बनाते हैं। बाद में सोचा यार AWM क्या ही करेंगे, इसकी तो नेड से बनाते हैं। तो नेड वेड फेंकने की पूरी पूरी ट्राई की, बट उससे भी कोई काम नहीं चला। बट मैं तभी वापस इस तरफ आता हूँ, मैंने फिर सोचा एक बार AWM से चलाते हैं। बट बाद में मैंने सोचा यार लास्ट नेड पड़ा है, जैसा भी होगा ठीक है, वैसे भी जोन आने वाला है, मैं पूरा फुल कुक करके फेंकता हूँ। और ये होता है भाई एक अच्छे से नेड का, प्यारे से नेड का कमाल। और इस बात प्यारे एक लाइक तुम सबका बनता है, कर देना प्लीज यार अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सबने। तो चलो यार अब यहाँ से भाई जोन भी वैसे भी आने वाला था, तो मैं गाड़ी लेके अपनी यहाँ से निकल जाता हूँ। और आगे की तरफ जैसे ही जाता हूँ, मतलब मैंने गाड़ी वाड़ी चेंज की, तो मेरे ऊपर देखना एक साथ पूरी स्क्वाड कैसे फायर करती है। और अब पूरा गेम प्ले सिर्फ AWM का, लाइक DBS की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखना AWM की क्या ही सोच देता हूँ मैं। ये तीन बंदे थे भाई, तीनों से बच के निकल के आता हूँ। और इस साइड जिस घर में आता हूँ यहाँ पे भी पहले से एक स्क्वाड कैंप कर रही है। बट जब हाथ में डीबीएस होगा तो सामने वाले को समझ में नहीं आता भाई सामने वाले ने अपने साथ किया क्या। भाई काफी तकड़े से इसकी पेटी बन जाती है। अब इसका एक बंदा था इस ट्रिपल स्टोरी के अंदर, वो तो कुछ कर नहीं रहा होता, तो मैंने सोचा पहले दूर वाले बंदों को देखता हूँ। और ये पता नहीं भाई मेरे को मारने इतने उत्तेजित क्यों थे कि मेरे ऊपर पूरा पूरा पुश मार रहे थे। और ये जो तो भाई नया मोड आया ना इसकी, तो मैं क्या ही कह रहा, ये मतलब क्या ही, मतलब अपना दिमाग यूज करते हैं ना, कभी कभी अपने आगे घर लगा लेते हैं, कभी चक्कर लगा लेते हैं, कभी हवा आ जाती है इनके सामने। ये यूनिक पावर भी काफ़ी अजीब सा ही सिस्टम है। बट जो मेरे पास में जो बंदा था ना जो ट्रिपल स्टोरी के अंदर, वो वाला बंदा भी बाद में दिमाग विमाग लगाता है। पहले तो इस दूर वाले बंदे को एक पट से हेडशॉट देता हूँ और इसको फिर पट से नोक फिनिश भी मार देता हूँ। बट तभी जो पास वाला बंदा था वो शायद जग चुका था, पहले तो सोया हुआ था, तो वो भी मेरे पे मोली वोली करता है। बट उसको एग्जैक्ट नहीं पता था कि मैं हूं कहां पे, तो मेरे को उससे ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं थी। तभी वही भाई साहब जो दूसरे घर में थे वो इस यूनिक पावर का पूरा पूरा यूज करने लगे। बट इस बेचारे को नहीं पता था कि तेरे पे धप्पा लग जाएगा और तेरी पेटी बन जाएगी। पावर का यूज कर कर करते इतना पागल हो चुका था, इसको समझ ही नहीं आया कि आगे से पीछे से पड़ सकती है। तभी जो तीन बंदे मेरे को दिखे थे अब वो करेंगे मेरे को फुल परेशान। तो ये बंदे इतना फिर के इतने फास्ट थे ना भाई, देख रहे हो कहाँ पे आ चुके हैं। और तभी ये बेचारा पता नहीं मेरे को चेक करने की ट्राई मारा था या क्या करता था, इसकी डायरेक्ट नोक फिनिश AWM से पेटी बना देता हूँ। और यहां पे बेचारों की सभी की भेटियां बन जाती है। इसके बाद बारी थी बचे हुए लास्ट के तीन बंदों की, उनमें से एक बंदा मेरे को इस पेड़ पे स्पॉट होता है और इसकी भी बेचारे की पेटी बन जाती है। मतलब एक AWM का असर डायरेक्ट इसका, और इसका नाम देख रहे हो ड्रैगन, मतलब ड्रैगन नाम तो ऐसे टेका, पता नहीं क्या ही छलमक छलो छुरी है, बट समझ में नहीं आया इसकी पेटी बन जाती है। अब बचते हैं लास्ट के दो बंदे, और दोनों के दोनों बंदे तुम देखना भाई क्या ही टेक्निक से पेलता हूं। पहले तो मेरे को एक स्पॉट होता है जो कि बेचारा जोन के अंदर भागा जा रहा था, पहली AWM ले बेटा पट से। इसके बाद लास्ट बंदा भी मेरे को स्पॉट हो जाता है, तू भी ले बेटा पट से, और हो जाता है अपना विनर विनर चिकन डिनर। तो DBS ओनली प्लस AWM ओनली, कैसा लगा गेम प्ले कमेंट सेक्शन में बता देना, अच्छा लगाओ बुरा लगाओ और जो भी तुम सबको लगा। और यार आजकल मैं काफी काफी डिफरेंट चीजें ट्राई कर रहा हूं, आप लास्ट वीडियो जाके देख लो प्लीज, अच्छी लगेगी मेरे को, मैंने उम्मीद मतलब मेरे को उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। कमेंट सेक्शन में बताने वाला गेम प्ले कैसा लगा, मैंने वॉइस ओवर फेस कैम के साथ किया ये भी बताना, इसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे हम, तो जैसी भी लगी हो बताना। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।